Okay, now we start with the new problem. Plus read this. The top view of 75 mm long. Okay, तो ये top view है. Top view 75 mm long of 75 mm long line. Okay, तो 75 mm long line है. मीन्स का वो ट्रू लेंथ दी हुई है. तो टॉप व्यू उसका कितना होगा? ए बी मेजर 7. इस लाइन को आप मेजर करोगे ना, ओके, तो उसका टॉप व्यू कितना आना चाहिए? 65 mm. तो जो टॉप व्यू है, तो टॉप व्यू की लेंथ आपको दी हुई है. क्लियर? तो टॉप व्यू की लेंथ आपको कितनी दी हुई है? 65 mm. क्लियर? और वाइल लेंथ ऑफ इट्स फ्रंट व्यू इज 50 mm. तो फ्रंट व्यू की लेंथ कितनी दी हुई है? 50 mm. ओके, ये ध्यान से देखना. आपको टॉप व्यू, तो टॉप व्यू की लेंथ यहाँ पे बोला है कि टॉप व्यू ऑफ 75 mm लॉन्ग लाइन ए बी मेजर्स 65 mm. मीन्स के 75 mm लॉन्ग लाइन का मेजर करोगे, यानी उसका व्यू ड्रॉ करोगे, तो वो टॉप व्यू मिलेगा. टॉप व्यू कितना मिलेगा? 65 mm. तो टॉप व्यू की लेंथ और ये फ्रंट व्यू इज 50 mm. मीन्स के फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की लेंथ आपको दी हुई है 50 mm, 65 mm. ओके, और क्या बोला है कि इट्स एंड ए इज इन दी एच पी एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी. ओके, तो ये ए बी लाइन है, तो ए क्या हुआ है? ऑन दी एच पी मीन्स एक्स वाई रेफरेंस लाइन. ए कहाँ पे आएगा? एक्स वाई रेफरेंस लाइन के ऊपर, और 10 mm इन फ्रंट मीन्स के नीचे की साइड. ओके, अब आपको यहाँ पे एल टू थीटा वन थीटा टू फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू आपको फाइंड करना है. ओके, तो सेम सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले एक्स वाई रेफरेंस लाइन, सबसे पहले तो हम क्या ड्रॉ करेंगे? एक्स और वाई रेफरेंस लाइन. पॉइंट की सिचुएशन दी हुई है, ए इज इन दी एच पी मीन्स यहाँ पे, तो आपको ए दिया हुआ है. और क्या बोला है? एंड 12 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी. ओके, ये 12 mm था, दिस इज योर 12. तो यहाँ से नीचे की साइड कितना डिस्टेंस लेना है? दिस डिस्टेंस इज योर 12 mm. ओके, नाउ ड्रॉ दी एक्स वाई पैरेलल लाइन एट थर्ड पॉइंट. ओके, दैट इज योर ए डैश. ओके, एंड दैट माप इज 12 mm. ओके, नाउ क्लियर? ओके, अब आपको डेटा में क्या है? फ्रंट व्यू और टॉप व्यू. तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की लेंथ दी हुई है. तो आपने अगले एग्जांपल में किया था, आपको एग्जांपल में पता है कि यहाँ से हम जो आर्क लेते हैं, यहाँ से हम जो आर्क लेते हैं और उसको हम ज्वाइन करते हैं तो क्या आता है? फ्रंट व्यू. और यहाँ से आर्क जो लेते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं तो ये क्या आता है? टॉप व्यू. ओके, मीन्स कि ये जो लेंथ है ये टॉप व्यू की लेंथ, तो ये भी लेंथ कौन सी होगी? टॉप व्यू की. ये लेंथ फ्रंट व्यू की है, तो ये भी लेंथ कौन सी होगी? फ्रंट व्यू की लेंथ होगी. तो आपको लेंथ दी हुई है फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, तो फ्रंट व्यू की लेंथ कितनी है? 50 mm फ्रंट व्यू की लेंथ. तो ये फ्रंट व्यू है. ओके, यही आपका क्या होगा? फ्रंट व्यू होगा, और यही क्या होगा? आपका टॉप व्यू होगा. तो मैं यहाँ से कितना डिस्टेंस ले लेता हूँ फ्रंट व्यू का? 50 mm. ओके, और टॉप व्यू, तो टॉप व्यू की लेंथ कितनी दी हुई है? 65 mm. नाउ क्लियर? दैट वन योर पॉइंट. ओके, नाउ इनिशियली रफ हिट इट्स नॉट नेसेसरी, वी ड्रॉ प्रॉपर वे. ओके, आपको इतना पता चाहिए फ्रंट व्यू की लेंथ या टॉप व्यू की लेंथ. रफ कर देता हूँ, मीन्स मैं यहाँ पर माप लिख देता हूँ जो आपको पता ना हो. चले तो दिस इज फ्रंट व्यू ने, फ्रंट व्यू लेंथ 50 mm एंड 65 mm. क्लियर? अब आपको क्या करना है? ओके, फ्रंट व्यू, तो यहाँ से ये सेंटर, इसको मैं एम दे देता हूँ अभी, और इसको मैं एन दे देता हूँ. तो आपको ये पता था इस सेंटर ये रेडियस लेंगे तो एक आर्क आएगा. ओके, पर वो कहाँ तक आएगा वो आपको पता नहीं है. ओके, और दूसरी चीज़ आपको पता था यहाँ से आर्क आता है, तो ये जो टॉप व्यू है तो यहाँ से भी क्या आएगा? आर्क आएगा, पर यहाँ से क्या आएगी? लाइन आएगी. तो मैं यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. ओके,
क्योंकि ये पॉइंट और ये ए रेडियस सेंटर और एन रेडियस लेंगे तो आप आर्क ड्रॉ करोगे तो आपको टॉप व्यू मिलेगा। ए सेंटर और एम रेडियस लोगे और आर्क दोगे तो आपको फ्रंट व्यू मिलेगा। ओके, पर उनके उसके लास्ट पॉइंट में से क्या पास होता है, लाइन, वो आपको पता है। नाउ क्लियर, इतना हो गया। ओके, अब क्या बोला है आपको, एक लाइन बोली थी कि दी टॉप व्यू ऑफ 75 mm लॉन्ग लाइन। ओके, तो ये कौन सा है, ये टॉप व्यू का, ये टॉप व्यू की है, टॉप व्यू का है, यानी यहाँ से जो ट्रू लेंथ, जो ट्रू लेंथ का एंड पॉइंट यहाँ पे आएगा, ओके, वहाँ से आपको टॉप व्यू मिलेगा। तो यहाँ पे आपको 75 mm लॉन्ग लाइन यानी लेंथ दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, 75 mm लेंथ स्केल से मेजर कर देंगे। ओके, 75 mm आप कंपास पे ले लो, इसको सेंटर रखो और इस लाइन को आप कट कर दो। ठीक है, इसको कट कर दिया तो आपको ये पता चल गया, दिस वन इज ट्रू लेंथ, दिस वन इज योर ट्रू लेंथ। ओके, दिस वन इज योर ट्रू लेंथ। ओके, और आपको इतना पता था कि ये ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ L1 इज 75 mm। जो ओके, ये ट्रू लेंथ है, ट्रू लेंथ L1 75 mm, आपको पता था कि ट्रू लेंथ का एंड पॉइंट, दैट वन स्टार्ट पॉइंट, दैट वन एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट में से लाइन का आएगी दूसरे प्लेन के स्टार्ट पॉइंट तक, दूसरे प्लेन के एंड पॉइंट, सॉरी स्टार्ट पॉइंट तक। दिस वन इज VP, दिस वन इज HP, तो VP का एंड पॉइंट, HP का स्टार्ट पॉइंट, हो गया कंप्लीट, क्लियर। ओके, अब क्या करना है, XY लाइन को पैरेलल यहाँ से एक, डन। ओके, अब तो आपको पता है क्या करना है, ए सेंटर एम रेडियस, ए सेंटर एम रेडियस, और हो गया। आपके पास एंगल नहीं था, इसको जॉइंट करोगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। क्लियर, दैट वन इज फ्रंट व्यू लेंथ, दिस इज योर 50 mm। ओके, नाउ मेजर दैट एंगल थीटा 1 एट दैट एंगल 5 1। ओके, नाउ अदर साइड। ओके, व्हाट यू डू हियर, यू नो दैट एडेस सेंटर एंड एन रेडियस। ओके, टेक दिस एडेस सेंटर एंड एन रेडियस एंड मार्क दी आर। ओके, तो व्हाट इज दैट वन योर, ओके, नाउ यू सी दैट, दैट वन इज योर थीटा वन एंगल, थीटा वन एंगल मेजर विथ प्रोटेक्टर 30 degree एंड फ्रंट व्यू लेंथ एंड फ्रंट दिस पॉइंट फ्रंट व्यू एंगल मीन्स 49 degree, दैट वन 51, 51 इज टॉप व्यू लेंथ टू रेफरेंस, दिस एंगल इज 60 degree एंड दैट वन इज टू लेंथ। ओके, क्लियर, दिस इज L2। ओके, यू ऑल्सो नो दैट के दैट डिस्टेंस, दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो 7 इज दी L2 मीन्स के 75 mm, दैट वन इज सेम, दिस इज योर ट्रू लेंथ एंड ट्रू लेंथ, सॉरी दिस इज योर टॉप व्यू लेंथ एंड टॉप व्यू लेंथ इज ऑल्सो गिवन। ओके, सो आई राइट दैट फ्रंट व्यू एंगल इज के 5, दिस वन इज 52, सॉरी दिस वन इज योर 52, तो 51 इज 49 degree, 49 degree, 52 इज 60 degree,
ओके, थीटा वन इज 30 डिग्री, एंड दैट वन इज थीटा टू इज 50 डिग्री। ओके, दिस इज योर आंसर एंड दिस इज योर फिगर, एंड वी ड्रॉ दिस लाइन इन फर्स्ट एंगल मेथड। ओके क्लियर, एंड दिस इज योर आंसर। थैंक यू। ओके, अब यहाँ पे आपको एक दूसरी चीज़ याद रखनी है कि एक चीज़ याद रखना कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू हमेशा एक ही लाइन में होंगे। ये जो फ्रंट व्यू है ना, तो फ्रंट व्यू और यहाँ पे नीचे का टॉप व्यू, तो उसका स्टार्ट और एंड पॉइंट सेम होगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये जो फ्रंट व्यू है दिस बी वन, तो दिस लाइन को पैरेलल हम यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं। ओके, क्योंकि फ्रंट व्यू दैट वन इज फ्रंट व्यू, तो इसी के बीच में क्या आएगा, टॉप व्यू। ओके, नाउ अब क्या करना है, सेम चीज़ ए सेंटर मीन्स के एड एस सेंटर एंड रेडियस। ओके, और आर्क। क्लियर, आपको इसको नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, टू लेंथ की लाइन आएगी। अब टू लेंथ की लाइन कैसे आएगी वो हम करते हैं। सबसे पहले इसको ड्रॉ कर दो, क्योंकि यह जो फ्रंट व्यू है तो फ्रंट व्यू के लाइन में से जो लाइन पास होती है, तो इसके बीच में हमेशा फ्रंट व्यू टॉप व्यू आते हैं। ओके, ये जो पॉइंट मिला उसको ज्वाइन कर दो। ओके, दैट वन, एंड यहाँ से एक पैरेलल लाइन एक्स वाई को। क्लियर, दिस एड एस मीन्स दैट इज बी वन, दैट वन इज योर बी वन डैश। ओके, दिस इज योर टॉप व्यू, दिस इज योर टॉप व्यू लेंथ। ओके क्लियर, ओके, दैट वन इज फाइव वन मीन्स के टॉप व्यू एंगल। ओके, अब यह देख लो, आपको पता था दिस इज योर ट्रू लेंथ लाइन। ओके, ये आपको एक इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया। अब आपको इन दोनों को ज्वाइन करोगे ए डैश और बी डैश, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू लेंथ मीन्स के ट्रू लेंथ ऑफ द वी पी। क्लियर, अब यहाँ से इसका एंगल ले लेना, तो वो मिल जाएगा आपको थीटा वन। क्लियर, एंड दैट वन इज योर एल टू। ओके, नाउ टेक दिस स्केल एंड मेजर दी ऑल दी डायमेंशंस।